वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जैस्मिन रूमी और आप देख रहे हैं जैस्मिन रूमी चैनल। तो आज हमारे ये आदिवासी संस्कृति कार्यक्रम यानी साल में एक बार होता है संस्कृति जो बैलों का सोहराई बोलते हैं उसे आज आप लोग को दिखाऊंगा जो यहाँ मैदान में दौड़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हम पहुँच गए हैं, चलिए देखते हैं कैसा त्यौहार यहाँ का होता है ये साल में एक बार। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये मैदान में निकाल रहा है सबको, यानी कि अपना अपना घरों से इस मैदान में सब कोई लेके आ रहे हैं। देख सकते हैं इस जगह इस मैदान में अभी जितने भी यहाँ गांव के बैल जितना भी बैल सब है सब इसी मैदान में लेके आएंगे और मैदान में सब लेके आने के बाद यहाँ पर दौड़ाया जाएगा यानी कि इसी मैदान में। तो आप देख सकते हैं थोड़ा तरह से डिजाइन किया गया है, यानी कि ये जो काफ़ी सारे लोग मैदान में निकाल चुके हैं जो सभी घरों से निकाल के यहाँ पर अपना बैल सबको दौड़ाएंगे। बाकी जो ढोल नगाड़ा बज रहा है फिलहाल आप उधर देख सकते हैं, उन्हें सब बैलों को दौड़ाया जाता है इस तरफ। जैसे कि अभी देख सकते हैं इसी तरफ काफ़ी बैलों को ऊपर से नीचे चढ़ाया जाएगा, जो कि आप देख पाएंगे इस तरफ जो कि आप नीचे साइड था। तो काफ़ी सारे बैल ऐसे होते हैं कि भाग जाते हैं, यानी कि किसी का ऐसा आदत नहीं होता है कि बैलों को अचानक यहाँ पर होता है तो सभी लोग भाग जाते हैं। तो देख पा रहे होंगे किस तरह सभी लोग यहाँ पर बैठ, ये जो सिंह में चढ़ाया गया है ना तो उसमें चढ़ाया जाता है जिससे कि होता है कि हमेशा लगाया गया है यहाँ पर है उस तरफ से जो कि लगाया गया है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आप लोग को दिखाते हैं जो टोला पर मतलब बैलों को दौड़ाया जाता है तो इस ढोल नगाड़ा का किया जाता है प्रयोग। यहाँ पर आप नगाड़ा देख पा रहे होंगे, ये ढोल है और ये नगाड़ा के यानी कि दौड़ाया जाता है। जैसे ये ढोल नगाड़ा बजता है वैसे ही यहाँ पर बैलों को देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी ये म्यूजिक यानी कि हमारे संस्कृति में यही चलता है जो देख पा रहे होंगे, ये गोल गोल ये नगाड़ा की वजह से होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ढोल है ये, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं ताकि बैलों को हमारे ओर आने से थोड़ा रोक पाए। तो इस देख सकते हैं काफ़ी लोग दौड़ते हैं, यानी कि मतलब ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसा हो जाता है यहाँ पर। देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बैलों को यहाँ इधर भी जाने नहीं दे रहा, काफ़ी सारे लोग वहाँ से छेक दिए गए हैं। इस नारे से हम लोग फिर उस साइड जाएंगे, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से फिर हम लोग उस साइड जाएंगे जो काफ़ी लोग यहाँ पर इस जगह क्योंकि ये देख पा रहे हैं गाइस, ये तो साइड से ये देखिए मैंने पहले कहा था यार इस टाइप से जाने नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इसी में अब सारा बैलों को इसी में इकट्ठा कर दिया है सारा चीज़। तो चलिए बाकी लोग को देखते हैं, बाकी लड़का जो अपना स्टाइलिश से यहाँ सभी लोग तो इस साइड से देखिए गाइस अभी। चलिए देखिए यही होता है गाइस हमारे आदिवासी संस्कृति में, ये देख रहे हैं ये काफ़ी रोमांचक लगने वाला गाइस। तो आप लोग को देख सकते हैं काफ़ी लोग चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा ही मज़ा देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ा सारा चीज़ यहाँ पर चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोग यही है मौजूद आ रहा है कि मैदान में ही सारे बैलों को इकट्ठा किया है। तो चलिए यहाँ पर जो इन्हीं लोग हैं इस जगह तो काफ़ी बैल सब अब आगे कुछ लोग नहीं थे तो बैठ सकते हैं। ये भी जो आप लोग को पहला वीडियो पे दिखाया तो ये मेरा सगिन है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये भी यहाँ पर इसी साइड ही आ जाता है बैल देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग। ये देखिए ऐसा दौड़ा जाता है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा जगह है गाइस, ये मैदान में दौड़ देख सकते हैं इसी जगह बज रहा है। ये रहा हमारी ओर बैल आते हुए, काफ़ी बैल जमा हो चुका है यहाँ पर। अब ये पटाखा और छोटा बम के जरिए बैलों को डरा के उस तरफ भगाया जा रहा है देख पा रहे होंगे। ये रहा यहाँ से उस तरफ लेके जाएगा इस तरफ जहाँ की ऊपर के साइड, और ऊपर के साइड से फिर इधर लेके आएगा नीचे की ओर साइड में। काफ़ी श्रृंगार के बाद यहाँ पर होता है ना कि गाइस की ऐसे सिंपली तरीका से, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस बेहरी और लेके आ रहा है यानी कि नीचे साइड जा रहा है। तो नीचे साइड भी देख सकते हैं काफ़ी बैल जा रहे हैं अभी, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग अपना बैलों को दौड़ाते ये जो देख सकते हैं। और गाय से छिटका दिया यार, किसे कहते हैं ना यार, ये देख सकते हैं ये होता ही है हमारे यहाँ जो चल रहा था उसमें हमको थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है जो कि इस जगह ऐसे होता है। तो इसी के लिए यहाँ पर भी चल रहा है जो काफ़ी लोग आप देख सकते हैं इस जगह जो अपना बैल सबको अंतर करके यानी कि अभी कुछ देर में पानी पीने के लिए लेके जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग यहीं पर इसी जगह जो अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं इस जगह देख सकते हैं, और काफ़ी लोग घर से भी देख सकते हैं काफ़ी बाहर में भी है देर प्रोग्राम रहेगा। तो चलिए आप लोग इससे अपना तरीका से एंजॉय कीजिए, देखिए किस तरह
देखा यहाँ कुंदी बाटोली, यानी कि हम आए थे आज हम आए थे कुंदी बाटोली, जो कि कुंदी स्कूल आने से पहले वहाँ मिलता है उस जगह हम आए थे। तो यहाँ का पूरा क्लियर आप लोगों ने वीडियो तो देख लिए होंगे कि किस तरह यहाँ पर प्रोग्राम हुई उस तरफ, जहाँ की उस तरफ हो रहा था वहाँ से तो फिलहाल हम आ गए हैं। तो यहाँ से फिलहाल चलते हैं, फिर जहाँ श्रृंगार किया जाएगा उस तरफ आप लोग को शुरू नहीं देख पाए थे उस जगह आप लोग को दिखाए हम, जहाँ की अभी कुछ देर में फिर आपको दिखाने वाले हैं। तो उस जगह आपको लेके जाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मज़ा आने वाला गाइस। तो इस बार आप लोग मैदान में देखिए, तो चलिए वहाँ का चलते हैं और भी मज़ा आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस जगह यहाँ पर, जो कि ये है बता रहे गाइस, ये जहाँ पहुँचे वहाँ अलीगढ़ पहुँच चुके हैं, जो कि पहले आप लोग देखे तो कुंदी बटोली का नाच देखे। तो फिलहाल चलिए इस तरह का कितना ही भीड़ है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि हम अलीगढ़ गाँव पहुँच चुके हैं, जो कि काफ़ी दर्शक लोग यहाँ पर अपना यहाँ जो रहकर नाच रही है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसी जो चलता है। तो ये काफ़ी सारे पहले चल चुका है, जो कि पहले हम लोग देखे तो वहाँ का तो काफ़ी सारे लोग। ये ऐसा ही वीडियो और सारा बहुत सारा ऐसा वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये मेरा वीडियो जो मैंने बनाया आप लोगों को कैसा लगता है चलिए कमेंट में बताइए, और क्या चीज़ अगर बन में हमको बताइए। तो चलिए इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो पर मिलते हैं।